बुंदेलखंड में क्रिकेट के लिए एकमात्र अच्छा और टर्फ विकेट छतरपुर के नौगांव शहर में स्थित राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मौजूद है। ये एक ऐसा स्टेडियम है जिसे पूरे बुंदेलखंड में ख्याति प्राप्त है, लेकिन इस स्टेडियम में पिछले कुछ वर्षों से उदासीनता की ऐसी चादर चढ़ी है कि ये स्टेडियम अब बर्बाद हो रहा है। ये स्टेडियम वही स्टेडियम है जिसे नवाब पटौदी, अजय जडेजा और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी सराह चुके हैं। इस मैदान पर जेपी यादव जैसे खिलाड़ियों ने खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। ये स्टेडियम दीवानों के शहर नौगांव के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है, लेकिन नगरपालिका की उदासीनता के चलते अब इस स्टेडियम में चारों तरफ कबाड़ है, कटीले पौधे हैं और गाजर घास उगाई है। स्टेडियम का टर्फ विकेट भी खराब हो रहा है। स्टेडियम में कई जगह पर शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं। स्टेडियम की इस दुर्दशा के लिए नगरपालिका नौगांव को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो कि इस स्टेडियम के रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रही है। नौगांव शहर क्रिकेट के प्रेमियों का शहर है। स्थानीय लोग इस स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर चिंतित हैं। मेरा नाम सदन जड़िया है और मैं एक यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर हूँ और मैं यहाँ पर 10-12 साल से अपना अकेडमी चला रहा हूँ क्रिकेट का। तो ये अपना जो ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत अच्छा, अपने शायद बुंदेलखंड में सबसे अच्छा ग्राउंड माना जाता है नौगांव का राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम। लेकिन आज के दौर पर ये चल रहा है कि यहाँ पर 20 साल से टर्फ विकेट मेंटेनेंस नहीं हुआ है, ग्राउंड में गाजर घास लगी है और सिर्फ टूर्नामेंट के टाइम पर ग्राउंड मेंटेनेंस होता है, बाकी साल भर ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। और ग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और यहाँ पर जैसे भी ग्राउंड टूर्नामेंट टाइम के बाद छोड़ दिया जाता है, इधर पे कोई मेंटेनेंस ना कोई किसी को देखा जाता है। जहाँ तक कि आप छतरपुर जिले के अच्छे क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेटर के अलावा एक कोच भी हैं, आप एक अकादमी भी चलाते हैं, तो उस अकादमी के हिसाब से इस टूर्नामेंट के जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए? ग्राउंड में व्यवस्था तो खैर बहुत सारी होनी चाहिए। हम लोग हर बार ये अपनी बात रखते हैं सामने नगर पालिका अधिकारी के पास भी, और जो हमारे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े यहाँ पे खिलाड़ी हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ की कमेटी में भी हैं, मगर हम लोग की बात को सुनकर सब इग्नोर कर दिया जाता है कि बस टूर्नामेंट टाइम पर बस यहाँ पर 1-1.5 महीने बस एक हर्षोल्लास के हर त्यौहार जैसा मना के बस इस ग्राउंड को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कोई छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग जैसे तैयारी कराते हैं तो इधर पे कोई भी सीनियर प्लेयर, मतलब सीनियर प्लेयर कुछ लोगों को छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं करता है। और ग्राउंड में हम लोग जैसे खेलेंगे तो उधर पे महिलाओं को घूमना है, यहाँ पे बुज़ुर्गों को घूमना है, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड में खेलने के लिए मना किया जाता है, बाहर निकल के घूमने के लिए कहाँ जाएँ हम लोग, ये बात होती है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जैसे ग्राउंड के अंदर खेलते हैं और बोलते हैं कि लोगों से कि आप लोग बाहर हो जाइए, बॉल लग जाएगा, तो बोलते हैं कि आपका ग्राउंड है, मतलब बुरी मतलब बात बोलते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो यार हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि ग्राउंड सिर्फ घूमने के लिए है और कुछ। कई बार क्रिकेट प्रेमियों और समाज सेवियों ने इस मामले में CMO और SDO से शिकायत की है। इस स्टेडियम के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत बताई है, लेकिन फिर भी इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर संदीप GR इस स्टेडियम का रखरखाव खूब कराते थे, लेकिन अब जिला प्रशासन का निज़ाम भी बदल गया है। ऐसे में नौगांव के इस स्टेडियम का रखरखाव नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी के महीने में इसी स्टेडियम में एक क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तब इस स्टेडियम में देश के चुनिंदा खिलाड़ी और कई क्रिकेट हस्तियां पहुंचती हैं, लेकिन स्टेडियम की हालत बदतर है। मैं राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम नौगांव में खड़ा हूं। जो यादवेंद्र सिंह स्टेडियम है, यहां पे अंतर्राज्यीय क्रिकेट का टूर्नामेंट बड़े धूमधाम से होता है और यह मध्य प्रदेश के नई संभाग का सबसे सुंदर सबसे अच्छा स्टेडियम है, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आज स्टेडियम में गाजर घास के अलावा कांटे के वृक्ष उगाए हैं, जिससे आने वाले समय में टूर्नामेंट कैसे होगा, कैसे संभव होगा। इस लापरवाही के कारण आज जो है राजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम नौगांव का दुर्दशा का शिकार चल रहा है। आइए हम बात करते हैं नगर के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ क्रिकेटर जुगल सचान जी से, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि स्टेडियम की क्या दशा है और कैसी क्या पोजीशन है। जुगल भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके टाइम में।
नगर का ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम को देख रहे आप कैसी दुर्दशा है, इस पर क्या कहना है आपका? नगर पालिका की उदासीनता और नगर पालिका की लापरवाही के कारण आज ये स्टेडियम रोने को मजबूर है, जबकि संभाग में सबसे अच्छा टूर्नामेंट और संभाग का सबसे अच्छा स्टेडियम नौगांव नगर का ये स्टेडियम ईशान है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के कारण आज देखो तो इसकी दशा। यहाँ पर गाजर घास कम से कम 4-5 महीने से बरसात के बाद से इतनी बड़ी बड़ी घास है, आज तक नहीं देखी, और 1-1.5 महीने बाद अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट होना है, कब ये घास कटेगी, कब इसकी सफाई होगी और कब कैसे अच्छे से टूर्नामेंट हो पाएगा, हमें तो नहीं लगता है। ठीक है, लापरवाही तो है ही, अधिकारियों की है, सीएमओ की है, कोई इस तरह ध्यान ही नहीं करता। कई बार अवगत कराया गया है, सीएमओ मैडम को भी कि अवगत कराया गया है, अन्य कर्मचारियों से भी कहा गया है, बस हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, बाकी कोई करने वाला नहीं है। बहुत बुरी दशा है आज स्टेडियम की। हम लोग तो क्रिकेटर हैं, देखते हैं, साल भर हम लोग मेहनत करते हैं या टूर्नामेंट करवाते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन हमें देख के स्टेडियम को आज की स्थिति में बहुत ख़राब लग रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ क्रिकेटर और वर्तमान पार्षद श्री अरविंद यादव जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे जो वर्तमान में भारत की टीम में क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की, इस स्टेडियम की प्रशंसा करके गए हैं, तो आने वाले समय में एक जो टूर्नामेंट की जो यहाँ की जो ग्राउंड है, ये दुर्दशा है, क्योंकि ये संभाग का सबसे अच्छा स्टेडियम है, इस पर थोड़ा सा क्या कहना है आपका? छोटे भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस समय जो प्रशासक बैठा हुआ वो पूरी तरह से नाकाम है, हर मामले में नाकाम है। सीएमओ से लेके सफाई व्यवस्था देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, और स्टेडियम के बारे में तो जो खिलाड़ी जो सत्येंद्र सर हैं, जो सब खेलते हैं, लोगों ने हमसे कई बार कहा, तो मैंने भी सीएमओ मैडम से भी बोला, अन्य कर्मचारी अधिकारियों से भी बोला, यहाँ तक कि एसडीएम तक को अवगत कराया गया, पर सुनने वाला इस समय कोई नहीं है। वास्तव में इस समय जो दशा स्टेडियम की है, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी है, और मैं आगे यही विश्वास व आशा रखूँगा कि ये जल्द से जल्द जितना जो बिखरा हुआ है या जो ख़राब स्टेडियम है उसकी दशा जल्दी से जल्दी सुधरे। यहाँ तक की जानकारी है कि आपका बचपन से लेकर के आपके लगभग 20 साल से इस स्टेडियम से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जब स्टेडियम नहीं था उससे पहले आप यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, और स्टेडियम के लिए आपने जो है दिन रात बहुत क्रिकेट खेलने के लिए प्रयास किए, और इतना बड़ा स्टेडियम पूरा संभाग में जहाँ पर जिला कलेक्टर के अलावा मंत्रियों और सभी की निगाहों में स्टेडियम अपने आप में एक अलग स्टेडियम है, लेकिन ऐसा क्या कारण है, क्योंकि आप नगर पालिका परिषद में एक प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपकी बात जो ऊपर तक नहीं सुनी जाती है, इसके लिए आपने और क्या प्रयास किए? अब प्रयास के लिए अब जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हमारी जो मैडम बैठी हैं, उनसे ही बोल सकते हैं कि इसकी सफाई अफाई करवाई जाए, ये करो, तो वो निष्क्रिय हैं, वो किसी काम के लिए मतलब उनका वो मन नहीं रहता है, और हम तो खिलाड़ी लोग हैं, तो हम सब खिलाड़ी लोग जुड़ के एसडीएम से भी मिले हैं और सभी लोगों से मिले हैं, पर इसके बाद भी कोई सुनने वाला कोई नहीं है, और हम तो अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं छोटे भाई इस तरह का स्टेडियम का हाल, बाकी ऐसा हमने ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि माना जाए कि यहाँ के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित ही रहे हैं, उन्होंने इस स्टेडियम के क्रिकेट के अलावा स्टेडियम में और भी कई प्रतिभाएं चलती रहती हैं, नगर के लोग सुबह से घूमने आते हैं, उनके द्वारा एक जिम का जो है नगर के लोगों को सौगात दी गई थी, आज वो जिम जो है कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई है, वो जिम कितने की आई थी और कबाड़ के रूप में तब्दील क्यों हुई, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो महंगा सामान बहुत पहले पूर्व में आया था, पर हाँ ये बात सही है, आज वो दीन अवस्था में पड़ा हुआ है, जो मशीन अगर ख़राब हो गई तो उसको दोबारा सुधराया नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं ये नगरपालिका की नाकामी है। इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि अरविंद यादव, क्रिकेटर और कोच सचिन जड़िया ने तो गंभीर आरोप लगाए, लेकिन नगरपालिका नौगांव के सीएमओ नीतू सिंह क्या बोली वो भी सुनिए। अभी 1 माह पूर्व सफाई कराई गई थी, गाजर घास की कटाई कराई गई थी, और समय समय पर हमारे द्वारा सफाई कराई जाती है, अभी नवरात्रि का पर्व होने की वजह से थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया उस पर। इसमें कई खिलाड़ियों पार्षदों ने आरोप लगाए कि कई बार मैम से इस बात की जानकारी दी गई, या तो आप शाम का फोन नहीं उठाते हैं या कोई काम करने के लिए मना करते हैं, इसकी सूचना मुझे किसी के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं से अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि स्टेडियम की सफाई करें। आने वाले समय में क्या सफाई अभियान चलाकर साफ सुथरा किया जाएगा? हम ऐसे हर माह सफाई कराते हैं स्टेडियम की, और शीघ्र ही इसकी सफाई कराई जाएगी।
पूर्व पार्षद जुगल सचान ने कहा कि इस स्टेडियम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि 26 साल पहले नौगांव को मिली इस सौगात को बचा कर रखा जा सके।